अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरियार फ्रॉम 4K गैराज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अच्छा, पिछले 3 ब्लॉग्स में हमने 88 की प्रोग्रेस दिखाई थी आपको, तो मैंने कहा यार जरा कंटेंट थोड़ा सा चेंज करें, और तो इसलिए हमने सोचा है कि हम अभी गैराज पे जितनी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं उनकी आज एक डिटेल्ड ओवरव्यू आप सारों को इस ब्लॉग में दिखाएं। आज हम पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े जनाजे से, वो है मार्क टू। पहले तो हमारे पास मार्क टू आई थी, वो ये थी, इसको आगे से डॉज का फेस वगैरह डला हुआ है। ओनर साहब कहते थे कि इसको हमने तैयार करना है, इन्होंने काफ़ी देर से ख़रीदी भी थी। तो जब ये गाड़ी आई है, ये आई भी हमारे पास एक ट्रक में थी जिसमें लोग शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, उस ट्रक में पता नहीं किस तरह लोड करके इन्होंने चैन कुप्पी जिससे इंजन वगैरह निकालते हैं वो लोड करके गाड़ी अंदर लोड की, और इसको निकाला भी हमने इधर बड़ी मुश्किलों से नीचे प्लॉट में उतार के गाड़ी खींची, और खींची भी पता किस गाड़ी से थी, मदनी त्यारे से, जब उसका इंजन उड़ने वाला था। तो खैर, ये गाड़ी जब सामने आई तो इसकी हमने अंदर देखा, इसके तो कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्रेक लाइंस, कोई नट बोल्ट, कुछ भी नहीं इस गाड़ी के अंदर, लाइट सीट्स कुछ भी नहीं, डैशबोर्ड वगैरह हर चीज़ मिसिंग थी, सिर्फ एक डैशबोर्ड और एक सीट थी। तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया कि यार इसको हम नहीं तैयार करते, क्योंकि इसको अगर हम तैयार करने लगे तो ये हमें बहुत महंगी कॉस्ट कर देगी, वो इसलिए क्योंकि इसका एक एक नट बोल्ट पूरा करना पड़ेगा हमें। तो उनको मैंने ये रिकमेंड किया कि यार आप कोई रनिंग मार्क टू ले आएं, अगर आपने तैयार करनी है मार्क टू उसको तैयार कर लेते हैं। तो अगले दिन ही माशाल्लाह दे बॉट दिस और ये ले आए। ये गाड़ी आप लोगों को YouTube पे काफ़ी फेमस थी, पहले ये एक दफ़ा कराची में तैयार हुई थी, तो इसके तब से ही इसके अंदर 1GFE बीम्स डला हुआ है 2000cc, और इसमें काफ़ी काम हुए थे तब, लेकिन अब ये बिल्कुल ही कह लें खस्ता हालत में हो गई थी, तो अभी हमारे पास है ये दोबारा रिस्टोर होने। तो आज से इसका अब आपको एक डिटेल ओवरव्यू देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जो भी अपकमिंग ब्लॉग्स होंगे उसमें इन गाड़ियों का, सारी गाड़ियों का जिस जिसका भी हम आपको दिखाते हैं एक अपडेट्स दिया करेंगे। ओवरव्यू पे आ जाएं प्रोजेक्ट के, तो मार्क टू का काम ये है कि सबसे पहले तो इसकी वायरिंग सेट होनी थी, वायरिंग के बाद इसकी आउटर कम्प्लीट डेंटिंग पेंटिंग होनी थी। डेंटिंग पेंटिंग इसकी साथ साथ चल रही है, आप एक दफ़ा दिखा सकते हैं आउटर, ये कम्प्लीट गाड़ी फारिग थी, इसके ऊपर बड़े अजीब अजीब से फेंडर फ्लेयर्स लगे हुए थे, वो सारे उतारे हैं, इसकी किनारियां रोल की हैं ताकि अभी कल को इसको डीप डिश रिम मार डाल के इसको ड्रॉप करते हैं तो अच्छी तरीके से ड्रॉप की जाए। अंदर से इसका काफ़ी बुरा हाल था, सारे पीस वगैरह लग चुके हैं और साइड में इसके पीस अभी लग रहे हैं, अभी चेक कर सकते हैं, इसका जेन्युइन पीस ही जो हमारे साथ इसकी एक डोनर कार खड़ी हुई उसमें से हमने उतारा है, क्योंकि इसका देसी पीस नहीं लगाना चाहते, इसको भी हम सारा अंडर बार से फ्रेश करके फिर इसको कोट करके लगा के लगाएंगे। और बाकी डेंटिंग इसके साथ साथ चल रही है, पुटीनेस की थोड़ी कम करनी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसको छील नहीं रहे, क्योंकि इस गाड़ी पे जितना छीलोगे उतनी ही आपकी छीलेगी, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, इसकी रस्ट ने इसकी जान खा ली होती है। तो ये है कि इसको जितना जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि रस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ से इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इस साइड पर तो इसका कम्प्लीट इसमें डैशबोर्ड 88 करोला का लगा हुआ है, उसको भी हम इसकी सेटिंग करके अभी प्रॉपर बिठाएंगे, और इसके फर्श वगैरह और पिलर्स का काफ़ी काम था, छत पर आप देख सकते हैं, ये देखो छत पे आप देख सकते हो कि काफ़ी इसका पीस लगे हैं ये दोबारा से सारे, और इसके अंदर भी काफ़ी साइड्स पैनल पिछले पिलर्स अंदर से इस सारा कंप्लीट इसका काम किया है, पिछले किनारियां भी इसकी सारी दोबारा ही बनी हैं, किनारियां इसकी भी पिछली भी रोल कर दी हैं, और इंशाल्लाह इसका साथ साथ काम चल रहा है। इसके अंदर हमने या तो इसकी डिफ थोड़ी चेंज करेंगे जिससे टायर बाहर आए, एक्सल जिसको कह रहे हैं पिछली ट्यूब, या इसको स्पेसर डाल के इसके टायर थोड़े बाहर निकालेंगे, और इसको LSD करेंगे साथ साथ, इसकी बैक लाइट्स कस्टम बननी है, इसकी फ्रंट हेडलाइट्स भी हम आगे क्रिस्टल डालेंगे, अभी के लिए तो इसकी अपनी जेन्युइन डली हुई है, बट इसकी शेप वही रखेंगे गाड़ी की, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे। और इसका पेंट भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा चूज़ किया गया है, इस पर कैंडी रेड पेंट होना है, तो उसका भी आपको सैम्पल चेक कराएंगे। अब बैक साइड पर इस आप दिखा सकते हैं इसकी लाइन्स वगैरह ऑलमोस्ट सेट हो चुकी हैं, और ये साइड भी ऑलमोस्ट फेंडर की एक साइड हमने वैसे कंप्लीट कर दी थी, तो साथ साथ हमने कहा कि पेंट का भी काम चलता रहा, इसमें से हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करेंगे। वैसे इस गाड़ी में वैसे था कुछ भी नहीं, लेकिन बम्पर्स, इसकी लाइट्स की थोड़ी सी फ्रेम श्रेम यूज़ करना है, क्योंकि इसका हमने बैक लाइट जो कस्टम बनानी है वो साइड पैनल्स हमने इसके जेन्युइन उतार के इसको लगा लें, पूरी गाड़ी में सिर्फ हमारा यूजबल काम पार्ट साइड पैनल्स थे, वो जेन्युइन लगे हुए थे, वो हमने इसको डाले हैं। आ जाएँ अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर आ जाएँ, तो वो ये है शरार्ट 86। ये भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसका आपको बताया था कि हाजी साहब के एक बहुत फ़ैन ने ये गाड़ी थी, सिर्फ स्पेशली शरारी की वजह से थी, उसको रेड कलर करवाना था, और इसके अंदर भी कह लें वो दो दरवाज़ों का फ़र्क है। इसकी अब प्रोग्रेस पे आ जाए, तो इसका इंजन वगैरह हमने डाल के स्टार्ट कर दिया है, इंजन माशाल्लाह बहुत स्मूथ किस्म का खड़ा होता है, और एवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है, उस दिन ये तकरीबन 10 बजे
10 बजे से लेके अगले 7-8 बजे सुबह के स्टार्ट रही है गाड़ी, और हमने खुद आके बंद किया, सिर्फ रनिंग करनी थी इसकी ताकि रनिंग कंप्लीट हो जाए। और इंजन ने अल्लाह का शुक्र है कोई धुआं शुआं कोई नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी इसकी जब हमने फिर बाकी बॉडी वाइज खोलना शुरू किया तो इसकी आप ये देख सकते हैं हालात, इसके पिलर्स ख़त्म हुए पड़े हैं, साइड पैनल्स भी ख़त्म है, और ये अंदर से भी इधर जो बैक साइड है ये डैशबोर्ड के सारा ख़राब हुए हैं, बाकी होदे वाला काम सारा हो चुका था, और इसका एक साइड का पिलर ऑलमोस्ट बन गया है, उसको फाइनल कर रहे हैं। ये पिलर का बहुत बुरा हाल था, ये डबल पीस में दोबारा बनाया 16 गेज की चादर में, क्योंकि इस पर स्ट्रेंथ होती है, पूरी गाड़ी ने खड़ा इस पर दरवाज़ा ने इस पर खड़ा होना था। बाकी इंटीरियर भी इसका खोल चुके हैं, इंटीरियर इसका पोशिश वगैरह होके आएगा, इसकी मैटिंग वगैरह सारी चेंज होनी है, नीचे से फर्श वगैरह का भी काम शुरू करेंगे जैसे ही आउटर साथ साथ शुरू कर दिया। बाकी ये देख सकते हैं कि गाड़ी में पिलर्स वगैरह में और कोई रौला नहीं है, बाकी ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ में खड़ी है गाड़ी। और बाहर दरवाजे इसके खुले पड़े हैं, वो भी ठीक है, नीचे नीचे से थोड़े थोड़े गले में आए, वो आप दिखा सकते हैं नीचे जहाँ पे डोर कार्ड्स वगैरह इसकी वो ड्रेनेज होती है ना, वाटर ड्रेनेज, वो चोक होने की वजह से गाड़ियाँ नीचे से गल जाती हैं। पुरानी गाड़ी में मोस्टली यही मसला आता है, ये जो ड्रेन्स वगैरह सारी, अब ये ड्रेन स्पॉट्स का रोला ये सारी मतलब ऑलमोस्ट पुरानी गाड़ी में आ जाता होता है, इसके ये सारे ड्रेन स्पॉट बंद हो जाते हैं क्योंकि पानी इकट्ठा होता रहता है, और जब भी वॉश होती है पानी इकट्ठा होते होते इधर नीचे सारा जंग लगना शुरू हो जाता है और ये गल जाती है सारी गाड़ियाँ। ये मोस्टली पुरानी गाड़ियों में होता है, लेकिन मैंने देखा आजकल ये रिबर्थ होंडा सिटी और इस तरह की गाड़ियों में काफ़ी ये देखने को नज़र आ रहा है। ईकेज वगैरह में इतना नहीं होता, लेकिन ये नई गाड़ियों में भी नज़र आने लग गया। पाकिस्तान की गाड़ियों की क्वालिटी आप चेक करें माशाल्लाह। शरार्ट की बाकी अपडेट पे आ जाएं तो इसको हमने लाइट्स भी वो जो हाजी की गाड़ी को डाली थी जो बगैर लाइन्स वाली होती हैं वो डालनी है। पिछला बम्पर इसका ठीक है, शो वगैरह सेट होगी सारी, इसका कलर सारा अंदर बाहर से चेंज होना है, रोज़ो कोर्सा रेड, और इंटीरियर में इसके काफ़ी काम है, इसके रिम शिम वगैरह चेंज होंगे, इसको हल्का हल्का ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये जिसकी गाड़ी है ओनर साहब कहते हैं कि उन्होंने ये डेली ड्रिवन रखनी है और काइंड ऑफ अ फैमिली कार, तो फैमिली कार के लिए ये है कि इंजन ये चूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इसके एक तो माउंट्स वगैरह इसके भी बने हुए थे और इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है। दिस इज़ G13B बलिनो में आता है ये, और ये अच्छी खासी मतलब आपको कह लें शहर में इस चेसी पे मेरे ख्याल से 14 मंदिर की एवरेज देगा इन सिटी। बाकी इंशाल्लाह आगे नसीब नसीब की बात है कितनी एवरेज देता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाएँ तो प्रोजेक्ट तो नहीं है वो, एक छोटा सा एक डिटेल काम हमने किया था शाजी टिकटॉकर रियांशा उसकी गाड़ी का बोनट उसका पेंट होना था, रीपेंट होना था और फेंडर्स उसके रीपेंट होने थे। बोनट पूरा स्ट्रिप करके इसका पेंट किया गया है क्योंकि इसके जिधर से पहले पेंट हुई थी तो सिर्फ बोनट में एक मसला आता था, बबल्स आके ना पेंट क्रैक होना शुरू हो जाता था, इस पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी। इसको कम्प्लीटली A to Z कह लें पेंट स्ट्रिपर से, इसको 4 दिन तकरीबन सिर्फ स्ट्रिप ही करते ना, इस पर इतनी प्रोटीन थी तकरीबन कह लें कोई 2-3 किलो प्रोटीन ही सिर्फ इस फेंडर बोनट पर थी, और फेंडर्स को भी साथ थोड़ा सा क्योंकि रफ़ हो चुके थे गाड़ी का, इंजन का काम होता रहा रियान के पास तो उसकी वजह से इसको हमने फेंडर्स भी रीस्प्रे कर दिया। और पेंट में माशाल्लाह पहले जो फ़र्क बता रहा था वो अब नहीं है, अब इंशाल्लाह जो 19-20 का फ़र्क आ रहा है। इसके पर्ल्स आप दिखाएं, पर्ल्स बहुत मज़े के हैं इसके, गोल्डन पर्ल्स हैं। ये रिबॉन का पेंट कोड है, होंडा सिविक का OEM पेंट कोड है, उसके अंदर ये ब्राउन पर्ल्स डाले हैं, गोल्डन पर्ल्स सॉरी। पेंट काफ़ी हद तक मैच हो गया, बाकी कंपाउंड पॉलिश में देखते हैं। बाकी गाड़ी को भी वैसे पता लगा हुआ है, सैंडिंग हुई है इसकी, सैंडिंग के बाद इसको फिनिशिंग होनी है तो फिनिशिंग में पता चलेगा कि पेंट मैच हुआ कि नहीं हमारा। आ जाएं, अब आ जाएं कि ये वही गाड़ी है जिसके फर्श नहीं थे। ये गाड़ी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, इसका इंजन बे वगैरह हर चीज़ A to Z रेडी है, गाड़ी डिलीवरी के ऊपर है, बस इसका एक चीज़ रह गई है, वो है कि इसको P-Z ट्यून करवा के हमने एक नया लेना है। तो गाड़ी का एक आप आउटर लुक दिखा दें, गाड़ी कंपाउंड पॉलिश भी हो चुकी है सारी माशाल्लाह, इसकी शाइन वगैरह वापस आ गई है, और ये गाड़ी को भी 6-7 साल हो गए हैं पेंट हुए हुए। इस गाड़ी का ये बड़ा मज़े की चीज़ है, मेरी गाड़ी और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 3-4 दिन का फ़र्क में पेंट हुई है LMS पे। 3-4 दिन पहले ये पेंट हुई थी, फिर उसके बाद मेरी वाली गाड़ी पेंट हुई थी, और ये आज तक उसी पेंट में है। आप देख सकते हैं इसकी पुटीने छुटीने अब क्रैक हो रही हैं और क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, ये पेंट फेड होने के भी निशान आ रहे हैं जैसे टोटल जेन्युइन पेंट हो। तो ये भी माशाल्लाह अभी तक अपने जेन्युइन पेंट में ही है, जेन्युइन तो नहीं जो तकरीबन 6 साल पहले पेंट हुआ था LMS पे, उम्र में ये करवाया था सारा। बाकी इंटीरियर आप एक दफ़ा इसका दिखा दें, माशाल्लाह गाड़ी डिटेलिंग इनर आउटर कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं, और बड़ी ये साफ़ किस्म की EF है, एक मतलब कम्प्लीट इसका इंटीरियर के आपको कोई ट्रिम्स मिसिंग नहीं नज़र आएंगे,
अभी ज़रा ये एसी वगैरह खोला हुआ है क्योंकि पीज रेट लगाना है, और माशाल्लाह काफ़ी क्लीन गाड़ी है। आपको इसका इंजन बे भी एक दफ़ा दिखाते हैं। मैं डाला था ना D16 A8, ये वो इंजन है, और अब इंजन भी अपना क्लियर हो चुका है, हर चीज़ इसकी वायरिंग, इसका कंप्रेशन वगैरह हर चीज़ ओके है, बिल्कुल फिट किस्म का चल रहा है, और इसकी एवरेज बहुत अच्छी आ रही है इस इंजन में ऑटो के साथ बावजूद। आप चेक करवा सकते हैं, इंजन बे बहुत प्यारा इसका तैयार हुआ, इस पर हीट रैप लगाए हैं और इसका इंटेक वगैरह पूरा कर दिया सारा, इस पर पाउडर कोट करवाया था, इंजन बे इसका दोबारा से तैयार हुआ था, इसमें भी काफ़ी रस्ट आ चुका था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी लुक निकल आई इंजन बे की भी। हाँ लाइट्स का है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, ओनर की भी चॉइस होनी चाहिए बीच में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाएं, वो आप मोरी गैंग की गाड़ी फिर से आ गई मेरे सामने, इसको हम HSC के लिए दोबारा तैयार कर रहे हैं, इसका शो वगैरह सेट होनी थी, इसके बम्पर्स पेंट होने हैं, फेंडर्स के साथ हम कुछ गेम खेल रहे हैं, और पिछली दफ़ा आपने देखा था व्लॉग में इसकी 1300 HP थी, अब हमने ज़रा स्टिकर लगवा दिए, अब ये तकरीबन ऑन व्हील्स निकाल रही है 1350 स्टिकर इस पर ऐड कर दिए हैं मेंटली के स्टांस कॉर्नर पे आए ना ज़रा, और यस दिस ये मेरा था, ये मैंने लगवाया इसकी गाड़ी पे, बाकी स्टांस कॉर्नर भी मेरा ही आइडिया था वैसे, देख सकते हैं आप गाड़ी रिम पे माशाल्लाह प्यारी लग रही है इसकी। नेक्स्ट पे आ जाए तो नेक्स्ट ये एक विट्स खड़ी है, इसके फ्रंट बैक बम्पर्स पेंट होने थे, और इसकी फॉग लाइट्स वगैरह इसकी लगनी थी नई, चेंज होनी थी सीटें इसकी लगनी थी, थोड़ी सी ड्रॉप करनी है गाड़ी, और ये ओनर साहब साथ ही बैठ के लग के काम करवा रहे हैं, उनको डेंटर पे यकीन नहीं है, वो तारें पुठी ने लगा दे। इंशाल्लाह ये भी एक आध दिन में आपको इसकी फाइनल रिव्यू दिखाएंगे। बैक किट की इसके किट पेंट हुई हुई थी गाड़ी, लेकिन इस ओनर्स कह रहे थे कि हमें बम्पर्स पे मज़ा नहीं आ रहा, किट्स की वो फिनिशिंग नहीं आई थी। स्पॉइलर की भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये अभी ऐसा लग रहा था कि जिसने बस स्प्रे पेंट मारा हुआ है, तो ये स्पॉइलर भी रीपेंट होना है। इसकी बैक किट की लाइन स्ट्रेट नहीं थी, वो स्ट्रेट की है, बम्पर की थोड़ी सी फिनिशिंग का मसला था, और पूरी गाड़ी वैसे शावर्ड है बट अभी तक प्रॉपर कंपाउंड नहीं हुई भी, तो उस पूरी गाड़ी को पता लग के जब कंपाउंड होगा तो सारों को पता लगेगा, तब जाके इसकी शक्ल निकलेगी। आज ही वापस आए हैं पाउडर कोट होके कैलिपर्स और पिछले ड्रम्स, वहीं चेक करते हैं, मैंने भी नहीं अभी तक देखे। इस फिनिशिंग चेक करते हैं कैसी है, इनका काम अच्छा है, मेटल केयर पाउडर कोटिंग आप चेक कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। ये पेंट से बेहतर क्यों होती है पाउडर कोटिंग, क्योंकि ये इन पे हीट और कॉन्सेंट इस पे रगड़ाइयाँ नहीं होती है, तो ये इतनी जल्दी पेंट ख़राब नहीं होता, इतनी जल्दी डल नहीं होगा, और इस पे स्क्रैच नज़र नहीं आता इतना। जो सादा पेंट है स्प्रे पेंट या जो गाड़ी वाला पेंट होता है अगर इस पर करें तो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक्टिंग का बड़ा मज़ा आता है, बट इंशाल्लाह एक नए कलर में करने लगे हैं, वो भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यार आपको बल्कि हाँ इसका वो दिखाना था, रॉड्स ये लगे हैं इसके, रॉड्स अल्ट्रा रेजिस्टेंट, तवे भी रोटर्स भी इसके स्लॉटेड बड़े डले हैं, इससे होता ही है कि इससे आपकी ब्रेक या तो गर्म नहीं होती इतनी ज़्यादा, और लगने में भी अच्छी होती है, थोड़ी स्टॉपिंग पावर अच्छी होती है गाड़ी में। वैसे इंजन आप कह रहे हैं सादा 1800 है, लेकिन ये जब ये तवे शवे डले थे इस गाड़ी में 3SGE बीम्स होता था, अब ये स्टॉक लाइफ कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें 2GG करना है। इस व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो आप या कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, मेरे नंबर पे या एक और नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।